स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स और फूड हैबिट इन एनिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। फूड फ्रॉम एनिमल्स, बेटा जैसे प्लांट्स से हमें डिफरेंट तरीके के फूड आइटम्स मिलते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स से भी हमें बहुत तरीके के फूड आइटम्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो और जिन्हें हम बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट के जैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, क्योंकि वो भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। वी गेट फूड आइटम्स सच एज मिल्क, मीट, हनी एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क हो गया, जैसे एग्स हो गया, जैसे मीट हो गया, जैसे फिश हो गया। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, एनिमल्स से मिल रही हैं। हनी भी हमें एनिमल्स से ही मिलता है। एनिमल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो एनिमल का जो भी सोर्स ऑफ फूड है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनेशियस होता है, उसमें प्रोटीन और फैट्स, कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो वो जो एनिमल से जो भी फूड मिल रहा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन विटामिन B12। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ फूड एनिमल से जो है उसके अंदर विटामिन B12 मिलता है, जो बहुत ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। Which is generally not found in food obtained from plants. जो विटामिन B12 है वो प्लांट्स में जनरली नहीं पाया जाता, वो किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, और बहुत ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पहला जो है सोर्स कौन सा, पहला जो सोर्स ऑफ फूड वो है एनिमल्स में कौन सा है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। क्या है, मिल्क, दूध जो हमें मिलता है। Products made from milk are called dairy products, which are cheese, cream, butter, curd, ghee, etc. जो products हमें milk से मिलते हैं, milk हमें कहाँ से मिल रहा है, milk हमें cow से मिल रहा है, buffalo से मिल रहा है, goat से भी मिल रहा है, और भी कुछ animals हैं जो milk yielding animals होते हैं, ठीक है, जैसे yak हो गया, camel हो गया, ठीक है। तो इससे जो मिल रहा है, जो milk हमें, उससे जो भी फूड बनता है उसको मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे घी बनता है, क्रीम बनता है, कर्ड बनता है, ठीक है, और क्रीम बनता है, और चीज़ बनता है, पनीर, और पनीर से फिर बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, बहुत सारे हम पनीर, पनीर की बहुत सारे हम डिशेस खाते हैं पनीर से बनी हुई, ठीक है। और हम आइसक्रीम खाते हैं दूध से बना हुआ, और फिर हम खीर भी खाते हैं वो भी दूध से बनता है। तो मिल्क से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मिल्क इज रिगार्डेड एज कंप्लीट फूड, ठीक है, इट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स। मिल्क जो होता है एक बैलेंस्ड डाइट है, कंप्लीट फूड है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे किसमें प्रेजेंट है, मिल्क। तो यानी कि अगर हमने एक ग्लास दूध पी लिया तो हमने बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक साथ ले लिए। तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर अस, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट, कैमल एक्सेट्रा आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, अभी बताया था मैंने, काउ से, बफेलो से, और गोट से, कैमल से इसे ऑब्टेन करते हैं मिल्क को। और जो भी मिल्क यील्डिंग, जिनसे, जिन एनिमल जो दूध प्रोवाइड करते हैं, हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उन एनिमल्स को मिल्क एनिमल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, दूसरी चीज़ जो हमें एनिमल्स से मिलती है वो है मीट। कुछ ह्यूमंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मीट भी पसंद होता है, तो वो मीट भी खाते हैं। तभी तो ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स कहलाते हैं ना, यानी कि वो एनिमल्स को भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो मीट खाते हैं। मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, फिश, चिकन एक्सेट्रा इज कॉमनली ईटन, ठीक है। कई जगह, किसी किसी एरिया में ये जो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट से हमें नहीं मिलते हैं, क्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर लोग क्या खाते हैं, मिल्क, वहाँ के लोग गोट खाते हैं और फिश खाते हैं, यानी कि मीट खाते हैं, ठीक है। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये
इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विटामिन्स प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है, यानी कि ये भी बहुत क्या है, हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कुछ एरियाज जो हैं कोस्टल एरियाज जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया और आपका तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, ये सारे एरिया जो हैं वहाँ पर समुद्री इलाका है ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हनी, नेक्स्ट है क्या, हनी शहद, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। किससे बनता है हनी? हनी बीज से बनता है, मधुमक्खियों से बनता है। फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर, ये क्या करती हैं हनी बीज, उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसके नेक्टर से नेक्टर्स को लेती हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं शहद में। हनी इज अ स्वीट फूड एंड इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। हनी क्या होता है, बहुत ही मीठा फूड है, ठीक है, आपने कभी हनी टेस्ट किया है? बहुत ही मीठा लगता है, टेस्टी लगता है, और इसको हम इसको जो है मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एग्स। एग्स जो है वो भी बहुत रिच सोर्स है और उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्स आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। फॉर लार्ज स्केल दीज बर्ड्स आर रेज्ड इन फार्म्स कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स। एग्स जो है जनरली बर्ड्स के जो है वो हम लोग खाते हैं, जैसे हेन के हो गए और डक्स के हो गए, भी डक्स भी है के जो एग्स होते हैं वो भी कुछ लोग खाया करते हैं। जनरली लार्ज स्केल में हेन के ही एग्स को खाया जाता है, ठीक है, और जहाँ पर इनको रेज किया जाता है, जहाँ पे इनका पालन किया जाता है और इनको रखा जाता है, इनकी देखभाल की जाती है बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, तो उसे बोलते हैं पोल्ट्री फार्म्स। क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ फूड और एनिमल्स हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कि जो भी हमने फूड जो है हमारा उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं वो तो हमें पता है, लेकिन उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से वो हमको मिल रहा है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फूड आइटम्स, एग करी, एग करी है तो उसके अंदर एग तो हो गई होगा ना, तो इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, एग्स पढ़ेंगे, स्पाइसेस पढ़ेंगे, मसाले, सॉल्ट, ऑयल और वाटर। तो इसके जो सोर्सेज है वो क्या क्या होंगे, ये कहाँ से आया हमारे पास, एग्स जो है वो तो हमें एनिमल से मिल गया, ठीक है, और स्पाइसेस ऑयल वगैरह हमें कहाँ से मिला, हमें मिला प्लांट से। देखो बच्चे एक चीज याद रखना, जो वाटर और सॉल्ट जो है वो हमें अर्थ से मिलता है, पृथ्वी से मिली है, ठीक है, बाकी जो फूड रिसोर्सेज है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से। नेक्स्ट खीर, खीर तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी होती है। खीर हमें कैसे बनती, कैसे बनाते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज कर रहे हैं उसके लिए, मिल्क यूज करते हैं, दूध, राइस और शुगर यूज करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, कौन से सोर्सेज हैं हमारे, सोर्सेज हैं एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। ऐसे ही आ गया इडली, इडली के सोर्सेज क्या क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़ेगा, उड़द की दाल, उड़द पड़ती है, और क्या पड़ता है, राइस पड़ता है और सॉल्ट पड़ता है, और सोर्सेज क्या हो गए, प्लांट्स हो गए सारे सोर्सेज, उड़द भी प्लांट से मिलता है और राइस भी हमें प्लांट से मिलता है। तो इसी तरीके से जो है डिफरेंट फूड आइटम्स जो है वो हमें दोनों सोर्सेज से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट करते हैं फूड हैबिट इन एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों जो एनिमल्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, है ना, जैसे काउ है, बियर है, डियर है, फॉक्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनके फूड ईटिंग हैबिट्स यानी कि उनके खाने का तरीका, वो क्या खा रहे हैं, वो कैसे खा रहे हैं, वो भी डिफरेंट होगा, है कि नहीं, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं, है ना, तो इनका जो फूड हैबिट्स है वो भी डिफरेंट होता है, क्लियर। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं उनका फीडिंग हैबिट्स यानी कि खाना खाने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, उनके फीडिंग हैबिट पे बेस तीन कैटेगरीज में उनको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से तीन कैटेगरीज हैं, एक हो गया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स यानी कि थ्री कैटेगरीज। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, हर्ब्स यानी कि पेड़, प्लांट्स, और वोर का मतलब होता है ईटर, यानी कि वो कौन हो गए, प्लांट ईटर्स। तो
तो जो भी एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के किसी पार्ट को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लांट ईटर्स, यानी कि हर्बीवोर्स। जैसे कौन हो गए हर्बीवोर्स? काउ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट्स, ये क्या हो गए? हर्बीवोर्स हो गए। ये सब क्या खाते हैं? ये सब प्लांट खाते हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगे? हर्बीवोर्स कहलाएंगे, ठीक है, प्लांट ईटर एनिमल्स। दूसरा आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब, कार्नी का मतलब होता है मीट और वोर्स का मतलब क्या हो गया? ईटर, यानी कि मीट ईटर। जो एनिमल्स मीट को खाते हो, फ्लैश खाते हो, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स कहलाते हैं। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है? ये सब फ्लैश खाते हैं ना, दांतों से मांस को फाड़ के उसे खाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनी का मतलब होता है ऑल, यानी कि सब, यानी कि वो प्लांट भी खा रहे हैं और एनिमल्स भी खा रहे हैं, और वोर्स का मतलब ईटर्स, यानी कि ऑल ईटर्स। जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी, वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोर्स। क्या कहलाते हैं? ओमनीवोर्स। दे ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, क्लियर। जैसे कौन कौन से हो गए? बियर हो गया, भालू, डॉग, कैट, ह्यूमंस, क्रो, एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये सारे ओमनीवोर्स हैं, दोनों चीजें खाते हैं। जैसे डॉग भी दोनों चीजें खाते हैं, डॉग को बिल्ली बहुत पसंद है खानी, और डॉग दूध भी पी लेता है, डॉग रोटी भी खा लेता है। ऐसे ह्यूमंस भी हैं, ह्यूमंस एग भी खाते हैं, है ना, और ह्यूमंस फिशेस भी खाते हैं, और ह्यूमन प्लांट्स भी खाते हैं, तो हम भी ओमनीवोर्स हो गए, और बियर भी ओमनीवोर्स है। ऐसे और भी जानवर हैं जो ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है, जो कार्निवोर्स जो है ना, इसको फर्दर दो कैटेगरीज इसकी और भी हैं, स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो स्केवेंजर और डिकम्पोजर को भी एक बार देख लेते हैं। स्केवेंजर कौन से एनिमल्स होते हैं? सम कार्निवोर्स। क्या है ये स्केवेंजर्स? कार्निवोर्स हैं। सम कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स भी हैं उसमें कुछ मिले हुए। ओमनीवोर्स लाइक वल्चर, क्रोज, हाइना, ठीक है, ये क्या करते हैं? दे डू नॉट, ये बिल्कुल नहीं, ये डू नॉट ईट द, दे डू नॉट किल द एनिमल्स। ये क्या करते हैं? उन एनिमल्स को मारते नहीं हैं, ये क्या करते हैं? उनके डेड, अगर वो जब मर जाते हैं तो वो उनको खाते हैं। यानी कि कुछ कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स जो हैं वो एनिमल्स को मारेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? जब वो मर जाते हैं तो उनके जो डेड हो गए वो, तो उन पर वो सर्वाइव करते हैं, उनको खाते हैं। जैसे वल्चर, हाइना, ये सब क्या करते हैं? डेड एनिमल्स को भी खाते हैं, गिद्ध, ठीक है, और दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। ये क्या कहलाते हैं? स्केवेंजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर मतलब, डीकम्पोज का मतलब होता है किसी भी डेड और डेड मैटर को, जो भी चीजें मर गई हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, ठीक है, उसको कहते हैं डीकम्पोज। तो उनको डीकम्पोज करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फंजाइज हैं और कुछ बैक्टीरिया, यानी कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हमें अपने नेकेड आई से भी नहीं दिखेंगे, और कुछ फंजाइज हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये डेड, जो मरे गले जो प्लांट होता है और जो एनिमल्स होते हैं जो सड़ जाते हैं, आपने देखा होगा बड़ी स्मेल आती है, तो उन सबको क्या करते हैं? वो छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, तो वो उन्हीं पे रह करके उसी को ही खाते हैं और उसी को सर्वाइव करते हैं, उसी से ही। सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। क्या कहलाते हैं? डीकम्पोजर्स। जो मरे हुए प्लांट, मतलब जो सड़ गल गए, उस प्लांट को और एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उन पर सर्वाइव करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। कौन होते हैं वो? द एग्जाम्पल्स आर फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं वो? फंजाइज कहलाते हैं और बैक्टीरियाज कहलाते हैं, ठीक है। अब जो स्केवेंजर और डीकम्पोजर्स है, ये दोनों क्या कर रहा है? डेड एनिमल्स को खा रहा है ना, और डेड प्लांट्स को भी खा रहा है डीकम्पोजर्स। तो ये जो है वो पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे अर्थ को क्लीन करते हैं। देखो आप एग्जांपल लो, अगर हमारे अर्थ पे ये सारे डेड एनिमल्स, प्लांट्स पड़े रहेंगे, डेड एनिमल्स पड़े रहेंगे, तो क्या होगा? बहुत स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो ये क्या करते हैं? ये एनवायरनमेंट को उसी से ही खा करके एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स क्लीन आर एनवायरनमेंट,
क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नेचर को क्लीन करने का। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फूड हैबिट्स हमने पढ़ ली और पूरा हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से इसे लर्न कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। बाय बाय।